Now, years after concluding the crucial visit to Poland and Ukraine, Prime Minister Narendra Modi returns back to India after his official three-day visit to Poland and Ukraine completes. After conducting two historic visits, Prime Minister Modi arrives in New Delhi, and these are the latest visuals that you can see on your screen of Prime Minister Narendra Modi arriving at the Delhi airport after concluding the crucial visit to Poland and Ukraine. The visit to Poland and Ukraine focused on the strategic ties prominently of India with the both nations on the trade and other important engagements, especially urging Ukraine to also initiate the dialogue to end the crisis amid the ongoing war. Joining me on the broadcast is my colleague Sanjay Sharma. Sanjay, jis tarike se hum dekh rahe hain ki Prime Minister ka ye Ukraine aur Poland ka jo daura tha, ab wo khatam ho gaya hai. दोनों देशों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हाई लेवल टॉक्स करी और वहां पे इंडियन डायस्पोरा से भी मीटिंग की है, इस विजिट का इंडिया के यूक्रेन और पोलैंड एंड स्पेसिफिकली यूक्रेन के टाइज के साथ क्या इंपैक्ट रहेगा? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा, यूक्रेन की यात्रा, उसको खाली यूक्रेन और भारत के साथ ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी इस यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन यही है कि रूस और यूक्रेन वार को अगर कोई खत्म करवा सकता है, कोई समाप्त करवा सकता है, कोई शांति विराम करा सकता है, तो वो सिर्फ अकेले और अकेले ओनली एंड ओनली लीडर इज नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। हमने देखा, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही अपील की कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच पर जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा दें। रुकवाने में नरेंद्र मोदी समर्थ हैं। जेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया कि जिस दिन भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रशिया से, उस दिन रशिया और यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इतनी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है यूक्रेन ने, पूरी दुनिया ने। हमने देखा था पिछली बार भी, खुद यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी यही बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी यही बात कही। तो पूरी दुनिया की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी इस समय ग्लोबल भूमिका में है, विश्व में शांति दूत की भूमिका निभा रहे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां यूक्रेन जाकर यही कहा कि भारत युद्ध की नहीं, बुद्ध की भूमि है, महात्मा गांधी की भूमि है। यानी भारत चाहता है, शांति चाहता है, और हर समस्या का समाधान बातचीत से या डिप्लोमेसी से हो सकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी यात्रा थी जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह युद्ध रुकवाने में कामयाब हो गए, इसमें कोई सफलता मिलती है, तो आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती विश्व के सर्वोच्च नेताओं में से होने लगेगी। All right, Sanjay, thank you with all these details and of course tracking the important visit by Prime Minister Narendra Modi to the crucial nation. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.